बोनी कपूर और श्रीदेवी की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित प्रेम कहानियों में से एक रही है। ये तो सब जानते हैं कि श्रीदेवी ने शादीशुदा फिल्म मेकर बोनी कपूर से प्यार किया था और शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर के इश्क ने मोना कपूर की गृहस्थी में आग लगाई थी। बोनी कपूर और श्रीदेवी की लव स्टोरी का जब खुलासा हुआ था तब श्रीदेवी को दूसरी औरत और होम ब्रेकर जैसे टैग मिले थे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना श्रीदेवी के धोखे का शिकार हुई थी। जी हाँ, कभी श्रीदेवी और मोना कपूर अच्छी सहेलियां हुआ करती थी, लेकिन फिर देखते ही देखते श्रीदेवी मोना कपूर की सौतन बन बैठी थी। श्रीदेवी के इस धोखे का खुलासा मोना ने बोनी कपूर से तलाक के बाद अपने एक इंटरव्यू में किया था। तब मोना ने बताया था कि कैसे बोनी और श्रीदेवी के अफेयर की खबर सुन वह दंग रह गई थी। पति और सहेली के इस धोखे से वह अंदर तक हिल गई थी। हालांकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब तक श्रीदेवी मां बनने वाली थी। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब श्रीदेवी बोनी से ज्यादा मोना कपूर के क्लोज हुआ करती थी। मोना के घर में श्रीदेवी का आना जाना लगा रहता था। कई बार वह मोना कपूर के घर में भी रह जाती थी। उन दिनों श्रीदेवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशन में थी। वहीं मिथुन को भरोसा दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधकर उन्हें अपना राखी भाई भी बना लिया था। ऐसे में मोना ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पीठ पीछे श्रीदेवी और बोनी कपूर उन्हें इतना बड़ा धोखा दे जाएंगे। बोनी और श्रीदेवी की शादी के बाद इमोशनली टूटी मोना ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा था कि हमारी शादी को 13 साल हो गए थे, तो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था जब मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और के साथ प्यार में हैं। लेकिन हमारे रिश्ते में दूसरा मौका देने लायक कुछ नहीं बचा था, क्योंकि श्रीदेवी एक बच्ची की मां बन चुकी थी। बता दें कि बोनी कपूर से रिश्ता जोड़ने के बाद श्रीदेवी को मोना की मां के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा था। बेटी का घर टूटते देख सती शौरी अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप में श्रीदेवी पर पब्लिकली हाथ उठा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीदेवी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। श्रीदेवी तब प्रेग्नेंट थी। इस हादसे के 3 महीने बाद उन्होंने जाह्नवी को जन्म दिया था। कहते हैं इस वाक्य के बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर के उनकी पूर्व पत्नी और बच्चों से मिलने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। श्रीदेवी इस हद तक इनसिक्योर हो गई थी कि वह नहीं चाहती थी कि बोनी अपने दोनों बच्चों अर्जुन और अंशुला से भी रिश्ता रखे। एक बार तो बोनी कपूर अपने दोनों बच्चों को मोना के साथ पिकनिक पर ले गए थे। जब इस बात की भनक श्रीदेवी को लगी तब उन्होंने घर में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। दोनों के झगड़े की आवाजें पड़ोसियों तक ने सुनी थी। उस दौरान उन्होंने बोनी कपूर के साथ जमकर गाली गलौज भी की थी। यही वजह थी कि श्रीदेवी के जीते जी अर्जुन और अंशुला के रिश्ते कभी अपने पिता या सौतेली माँ के साथ सामान्य नहीं हो पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।